सर आप देख रहे हैं लाइक चीज डॉट इन और मैं हूं वसीम खान। ठंड के बाद जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पर उससे ज्यादा बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई है। अभी हमारे साथ है नागमणि जी, जो बिना शर्तों के साथ, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी दल या कोई भी नेता किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो शर्त के साथ ज्वाइन करता है, पर नागमणि कुशवाहा बिना शर्तों के साथ जा रहे हैं, इनसे जुड़ते और जानते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि शर्तों के साथ कोई दल दूसरे दल में मिलते हैं, जुड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, आप बिना शर्तों के साथ जा रहे हैं, ऐसा क्या देखा सीएम नीतीश कुमार ने जो खुले दिल से बिना शर्तों के साथ हाथ बढ़ाने के लिए ऑफर कर दिया? देखिए बाबू, नीतीश कुमार जी के साथ मैं 4-5 साल लगातार काम किया और उनका काम करने की शैली को बड़े अच्छे से जानता हूँ। उस समय भी जो भी काम के साथ मैं नीतीश कुमार जी से मिलता था, एक सेकंड देर नहीं था। इसलिए मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग जाते हैं तो जो जिम्मेवारी देंगे उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। पिछले दिनों मैंने कहा था कि हमारे जो हजारों कार्यकर्ता हैं, सब लोग से राय मशविरा करने के बाद भी कदम उठा रहे, तो हजारों कार्यकर्ताओं से हमारी बात लगातार 20-25 दिन से 8 तारीख बाद चलती रही है और सब लोग की इच्छा है, सब लोग दिल से चाहते हैं कि देश के पैमाने पर नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को चला जाए। और यही कारण है कि आज हम लोग नीतीश कुमार जी के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं और बिना शर्त के, ताकि जो भी जिम्मेवारी दे उसके अनुकूल हम काम करें। जब लाठी चार्ज हुआ था उपेंद्र कुशवाहा पे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार का जमकर कोसा था, विकास पे भी आपने बहुत सारे तत्वों पे भी सवाल उठाए थे और लगातार जब भी आपने प्रेस वार्ता किया है तो शराबबंदी और विकास को एक एजेंडा माना गया है। जितने भी महागठबंधन में अभी भी नेता हैं, उस समय भी आप महागठबंधन के एक पार्ट हुआ करते थे जब आप आरएलएसपी में थे। अब आप ये कह रहे हैं कि विकास के लिए यदि नाम आए तो सीएम नीतीश कुमार का पहला नाम आता है। देखिए पूरा बिहार का बच्चा बच्चा और देश के सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। रोड 5 फीट मेन रोड पर गड्ढा रहता था। उन्होंने लालू जी कभी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा रोड बना होगा, लेकिन कोई रोड ऐसा नहीं था जो 5 फीट गड्ढा नहीं था। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का रोड A1 बना। बिजली तो कभी आती ही नहीं थी, गांव में तो बिजली होती ही नहीं थी, उन्होंने बिजली लाई गांव गांव में। पुल पुलिया बना, स्कूल बिल्डिंग शानदार बना, हॉस्पिटल शानदार बना और कानून व्यवस्था को बहुत ही चुस्त दुरुस्त किया। तो हम समझते हैं कि, और मैंने कभी विकास के पॉइंट पर नीतीश कुमार का आलोचना नहीं किया, नेवर। शराब के मुद्दे पर हम लोग 8 दिन समरस समाज पार्टी में थे, 8 दिन हम लोग धरना देने का काम किया था कि शराब को बंद किया जाए, और उस समय भी मैंने इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं जो शराब पर प्रतिबंध, जो कुछ कारणों से नीतीश कुमार से मैं हटा था, है ना, वो पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज के तारीख में जो आज परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार का कोई अल्टरनेट नहीं है। हमने अल्टरनेट बनाने की कोशिश किया था, ऐसा नहीं कि मैंने अल्टरनेट बनाने, जो उपेंद्र कुशवाहा को पहले भी हम जानते थे ये मऊगा टाइप का आदमी है, इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ कुशवाहा समाज के हित में, चूंकि उस समय वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो हमने कुशवाहा समाज के हित में हमने उपेंद्र कुशवाहा ऐसा जूनियर आदमी को हम लोग लीडर माना और कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग तमाम हजारों लोगों को शामिल करवाया,
श्री भगवान सिंह कुशवाहा समाज के मजबूत नेता थे, उनको लाए। आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा समाज एकजुट हुआ। और हम लोग का साफ कहना था कि बिहार में सभी जाति संप्रदाय के लोग मुख्यमंत्री बना बना, वाई नॉट कुशवाहा, कुशवाहा क्यों नहीं? कुशवाहा बिहार में एक नंबर मुसलमान, दो नंबर यादव, तीन नंबर कुशवाहा था। लेकिन हम लोगों ने पूरी राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के लिए और कुशवाहा समाज के लिए किया, और कोई कारण नहीं था। आप सब जानते हैं, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है इस बात का। आपके आपके मीडिया को बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच पहुंचाया। और हम पर, हमको जो पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा जी ने निकाला, हर बिहार का आदमी आश्चर्यचकित है कि पागल तो नहीं हो गया? जो नागमणि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और उन्हीं को निकाला। गांव में कहावत है कि जिसके लिए खंसी मारे वही रुसे। तो ये भी आप जान लीजिए कि गांव में एक और कहावत है कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने, और वो उन्होंने पार्टी से किस इशू पर निकाला? जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का नाम लेके हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, और शहीद जगदेव प्रसाद का जो स्मारक का उद्घाटन था 8 फरवरी को, वो 3 महीना पहले से स्मारक बन गया था। हमने दो दो बार उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्रीय मंत्री थे उनका समय लिया उद्घाटन कराने के लिए, लेकिन दोनों बार बहाना लगा के उपेंद्र कुशवाहा जी उद्घाटन नहीं करने आए। एक बार उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ समय मिल गया, भैया टाइम बढ़ा दीजिए, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मेरा अचानक कार्यक्रम है, टाइम बढ़ा दीजिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 फरवरी को जो सरकारी कार्यक्रम चित्तौड़ा में होता है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मिले और मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर 8 तारीख को उद्घाटन कर दीजिए, और उन्होंने 8 तारीख के आकर उद्घाटन किया। हमने पूरे बिहार का एक आदमी इस बात को कहे कि पार्टी से निकालने का मेरा क्या कसूर? अगर एक आदमी को बता दे कि हाँ नागमी जी आपका एक नया पैसा दोष है तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान किया, कुशवाहा समाज की यूनिटी को चकनाचूर कर दिया। अब कोई आदमी अगर ये कल्पना करता हो कि कोई कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री 5 साल आगे बनेगा, उसे कोई पागल उगल नहीं होगा। तो अब मेरी कोशिश इस बात का है कि कुशवाहा समाज को प्रॉपर मान सम्मान, और जो काम कुशवाहा समाज का हो, मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ इस बात का कि मुझे फख्र है अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि कुशवाहा समाज के हित में या बिहार के हित में जो भी नीतीश कुमार को मैं जो सलाह दूंगा उसको नीतीश कुमार जी बिल्कुल करेंगे। ये उनके साथ 5 साल का मेरा अनुभव है काम करने का। इसलिए अब कुशवाहा समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरे बिहार के, खास तौर से नौजवानों का, कि कुशवाहा समाज का जो विगत दिनों में जो कुछ कमियाँ हुई है सरकार की ओर से, हम इसको प्रॉपर वे में मिल करके उन कमियों को दूर करेंगे। कुशवाहा समाज का एक उंगली भी दर्द नहीं होगा बिहार में, बिहार कुशवाहा समाज को। ये मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कुशवाहा समाज का आह्वान करना चाहता हूँ। और अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम अपील करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा सथियाया हुआ नेता, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा टीवी पेशेंट नेता जो न एगो पैरवी कर सकता है, न एक आदमी कोई उसके कंस्टिट्यूएंसी का नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट बात कर ले फोन पे, ऐसा माना तो ऐसे ऐसे नेताओं की कहाँ जरूरत है, ऐसे MLMP की क्या जरूरत है? तो काराकाट की जनता से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो आपने सांसद बनाया उसको जमानत जब्त करावे, ताकि कोई उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नेता पैदा नहीं।
आप अपील तो कर रहे हैं, मगर ऐसा तो माना भी जा रहा है कि नागमणि जी कमर कस रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा सामने से, मतलब कि टक्कर देने के लिए लोकसभा, क्या ये सत्य है? देखिए, अब तो बाबू नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है कि हमको कौन सा जिम्मेवारी देंगे। हम लोग एक उनके साथ जाते हैं तो एक सिपाही की भूमिका होगी, कमांडर नीतीश कुमार जी रहेंगे और सैनिक के रूप में, फौजी के रूप में मैं उनके साथ रहूँगा, कदम से कदम मिलाकर मैं चलूँ। अच्छा, ये NDA गठबंधन अभी चल रही है BJP के साथ, JDU है उधर, LGP है, तो यदि आपको BJP से ये यदि ऑफर मिलता है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट में लोकसभा चुनाव लड़े, तो आपका निर्णय क्या होगा? BJP और JDU तो NDA है ना। आप आस्था दिखा रहे हैं, आप आस्था दिखा रहे हैं CM नीतीश कुमार की तरफ, यदि ऑफर मिल जाता है BJP की तरफ से, तो क्या? मैं BJP में इसलिए नहीं रहूँगा कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनका जो सिद्धांत नीति उनके अनुकूल हम चलते हैं। तो BJP जो JDU है वह बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, और ऐसा हम नहीं कहते BJP कॉम्युनल है, आज के तारीख में तो पूरा देश BJP के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, सभी जाति सभी तबका। हाँ, हम माइनॉरिटी जो मुसलमान भाई हैं उनको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं इस बात का कि पूरे शान शौकत के साथ देश बिहार में रहे और सबका सबके सुरक्षा हेतु माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी कवच के रूप में उनके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाते हैं। एक सवाल और कि आप संकल्प रैली जो 3 मार्च को कल हुई थी और 9 साल के बाद मंच साझा हुआ कि नीतीश कुमार PM नरेंद्र मोदी, तो आप इसे कितना सफल है? देखिए, कल का जो संकल्प रैली था वह हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद जो गरीब रैला हुआ था वो दूसरा सेंटीमेंट था, टोटल बैकवर्ड दलित का एग्जिस्टेंस का सवाल था, और बैकवर्ड दलित का पॉपुलेशन बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सब लोग अपने पार्टी लाइन पर नहीं गया था, अपने एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर गया। इससे बड़ी रैली एक गरीब जो रैला था उसको हम मान सकते हैं, लेकिन ये रैली बहुत ही शानदार सफल रहा, जितने मैंने उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया ये रैली हुआ, और हर इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा तबका कोई ये नहीं हुआ कि झुग्गी झोंपड़ी से उठा करके गांधी मैदान में उसके लेके चला गया, वो भीड़ दिखाना नहीं था, बल्कि पढ़े लिखे और पॉलिटिकल कोई आदमी बिहार का ऐसा नहीं था जो गांधी मैदान में नहीं गया, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त नहीं की। लालू प्रसाद ने ट्वीट करके बोला कि पान दुकान में खड़े हो जाते हैं तो इतना भीड़ लग जाती है, और उनको पार्लियामेंट चुनाव में औकात पता चल जाएगा ना कि कौन कितना पान है। लगातार आज JDU सभी सवालों को, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बोला थे कि कोई फोटो ही लगा दो हमारे वहाँ रहना की। अब देखिए, तेजस्वी जी वगैरह नौजवान नेता हैं, हमारा कोई इस पर कमेंट नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। पार्लियामेंट के चुनाव में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बिहार में एक सीट भी UPA जीत सकता है, एक सीट नहीं जीत सकता, कहाँ वोट विन होता है, आपस में रोज माथा फुटबॉल चल रहा है, और NDA बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ एकजुट है, कोई लड़ाई बिहार में नहीं। अच्छा, कोई डेट या तिथि निर्धारित किए हैं जब आप हाथ मिलाएंगे JDU से, कोई डेट तिथि निर्धारित हुआ, और क्या मैम भी साथ साथ जाएंगी आप? मेरी पत्नी श्रीमती सुचा सिन्हा तो नीतीश कुमार की फैन रही, उपेंद्र कुशवाहा जब हम RNSP में ज्वाइन किए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मेरे घर पर आए, उनके सामने सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि मैं आपके पार्टी में नहीं हूँ,
मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ, नीतीश कुमार के साथ रहूँ। इसलिए वो तो समझिए कि उनके सपोर्टर नहीं, ब्लाइंड सपोर्टर। नहीं, आज हमने टाइम के लिए नीतीश कुमार जी से टाइम मांगा है, यही टाइम मिलेगा तो मैं नीतीश कुमार से बात करके और जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा हम लोग। नागमणि कुशवाहा जी ने साफ तौर पे चैलेंज किया है उपेंद्र कुशवाहा को कि जमानत जब्त तो होगी। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और वैसे में किसकी कितनी जमानत जब्त होती है, लाइफ सिटीज तो वो जी सबसे पहले आप तक पहुंचा ही देगा। साथ ही साथ नागमणि कुशवाहा जी का यह भी कहना है कि हम जेडीयू में जाएंगे क्योंकि विकास के राह पर जेडीयू आगे बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा विकास सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में हुआ है। तो ये देखना है कि बिना शर्तों के साथ नागमणि कुशवाहा जी जो जा रहे हैं तो किस सीटों पर इन्हें मौका मिलेगा अपना झंडा गाड़ने का। लाइव सिटीज हर एक दिन सबसे पहले आप तक पहुंचाता है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके। धन्यवाद।